कनेक्टेड पाकिस्तान बेसिकली एक अवार्ड विनिंग डिजिटल फ्रीलांसिंग एजेंसी है। पेनियर एक प्लेटफॉर्म है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर मैं बाहर पाकिस्तानी हूँ जो एज अ सक्सेस स्टोरी मौजूद हूँ। व्हाई नॉट हम ये वाला पूरे का पूरा लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब से क्यों नहीं ले लेते। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि उससे जो है ना पंजाब गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाएगा। बाहर से तो लोग क्या ताने कसते, अपने घर वालों से भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि जी नाशुकरा हो गया, लोग गवर्नमेंट जॉब को तरसते हैं। जो एजुकेशन सिखाई जा रही है उस लेवल की नहीं है जिसकी मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड। अगर आप एक्सपर्ट हैं और अगर आप 100% डेडिकेटेडली नौकरी में भी काम कर रहे हैं ना, तब भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه بقدر حسنه وجماله ونوره وكماله। السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اس ٹائم تھوڑا سا ہمارے پہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نفرت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ کنیکٹ کرواتے ہیں لوگوں کو۔ इनका एक फोरम है कनेक्टेड पाकिस्तान के नाम से। ये दिलों को दिल से मिलाते हैं, प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल से मिलाते हैं। एक बहुत बड़ा फोरम जो है ये चला रहे हैं और मज़े की बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं फाउंडर ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान से। इनका नाम है सैयद अरसलान अली शाह। थैंक यू वेरी मच अरसलान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ग्रेट, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है जिस तरह मैंने बताया और नफरतें भी हर जगह हैं, प्रॉब्लम भी चल रही हैं, लेकिन आप हर जगह प्यार बांट रहे हैं, दिलों को दिल से मिला रहे हैं। ये क्या है कनेक्टेड पाकिस्तान अरसलान साहब? अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दूं, उसके बाद फिर कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मेरा नाम जैसे आपने बताया सैयद अरसलान अली शाह है, मैं फाउंडर और सीईओ हूं कनेक्टेड पाकिस्तान का। कनेक्टेड पाकिस्तान बेसिकली एक अवार्ड विनिंग डिजिटल फ्रीलांसिंग एजेंसी है। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में 2017, 2018 और 2019 में हमें बेस्ट डिजिटल फ्रीलांसिंग एजेंसी ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया है। उसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, मुझे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दे चुके हैं। उसके अलावा मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो पेनियर एक प्लेटफॉर्म है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो एज अ सक्सेस स्टोरी मौजूद हूँ। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम बेस्ट फ्रीलांसर डिक्लेयर कर चुकी है। अब जो कनेक्टेड पाकिस्तान का बेसिकली विजन है वो ये है कि अभी भी अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के अंदर ही हम लसानी बुनियादों पे, हम इलाकाई बुनियादों पे तफरीक का शिकार हुए हैं। तो हम हमेशा नारा लगाते हैं यूनाइटेड पाकिस्तान का, तो हमने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के थ्रू इन तमाम पाकिस्तानियों को एक कॉमन स्लोगन के अंदर जो है वो कनेक्ट किया जाए। तो बेसिकली ये था। अब इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो मैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और हमें एक प्रोजेक्ट ये मिला कि जी हमने केपी का लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो हम लोग गए वहाँ पे बिड वगैरह करने और हमने अपना प्रपोजल सबमिट किया। तो डिस्कशन के दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि जी इसका बजट क्या होगा, मतलब हम ज़्यादा भी कोट नहीं करना चाह रहे थे और कम भी कोट नहीं करना चाह रहे थे, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जी क्या इसका बजट होगा, तो उसने कहा जी इसका बजट तो अरबों में है। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, अब वहाँ पे सारे बंदे बैठे हुए और मैंने उनको ये सजेशन दी अपनी तरफ से कि जी व्हाई नॉट हम ये वाला पूरे का पूरा लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब से क्यों नहीं ले लेते। दे हैव ऑलरेडी बिल्ट इट और पिछले 3 साल से वो रन भी कर रहे हैं, तो टेस्टेड भी है, बग फ्री भी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि उससे जो है ना पंजाब गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाएगा। तो मैं उस लम्हे ही मैं डिस्कनेक्ट फील करने लग गया। मुझे लगा कि पंजाब जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और या केपी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली वहाँ से मेरे जहन में एक आया कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जाए जिसका मकसद तमाम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म के अंदर कनेक्ट करना। और उसका जो हमने बुनियादी मकसद रखा उसको हम कहते हैं पावरिंग पाकिस्तान फ्यूचर। तो पाकिस्तान का फ्यूचर, जैसे आपको पता है कि हमारी 60-65% जो आबादी है वो यूथ है, तो हमारा मेन फोकस एरिया ये है कि हम इन यूथ को एम्पावर करें ताकि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें। ग्रेट, वंडरफुल इनिशिएटिव। मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह, जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था और मैं मॉक सेशन में आपसे अर्ज भी कर रहा था कि जब कनेक्टेड पाकिस्तान लिखते हैं तो गूगल आपको एक्सप्लोर कर रहा होता है कि इतनी माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब आप ये प्लान कर रहे थे तो समटाइम लोग कहते हैं दिमाग ठीक है तुम्हारा यार, ये क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो गया तुम्हें कि मतलब इस तरह करोगे, इस तरह तो नहीं होता। तो जब ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही थी तो उसको कैसे हैंडल किया आपने?
अच्छा, इसकी भी ना एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब किया, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आईटी ऑफिसर था, और मैं वो बंदा था जिसने उस गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया था जस्ट टू स्टार्ट दिस कनेक्टेड पाकिस्तान। तो बाहर से तो लोग क्या ताने कसते, अपने घर वालों से भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि जी नाशुकरा हो गया, लोग गवर्नमेंट जॉब को तरसते हैं, 16 ग्रेड में या 17 में शिफ्ट हो जाएगा, आगे पेंशन है, फलाना है, ये है, वो है। लेकिन जो एक सोच थी ना, वो ये सोच थी, मैं ये टेस्ट आउट करना चाह रहा था कि अगर एक इंडिविजुअल चाहे तो वो अपनी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कितना बड़ा चेंज क्रिएट कर सकता है। तो मैं उस आइडिया को टेस्ट आउट करना चाह रहा था, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हिम्मत दी, ऐसा हौसला दिया कि आज हम उसको एक ख्वाब जो था, आज उसको हम बकायदा लोगों की निगाहों में तारीफ़ के तौर पे देख रहे हैं कि जी इतना माशाल्लाह 6 साल से 7 साल से वो चीज़ चल रही है। ग्रेट अरसलान, जो लोग कहते थे कि नहीं कर सकते, अब वो क्या ये कहते हैं कि हम आपसे कनेक्ट हो जाएं? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ग्लोबल एक नारा है कनेक्ट पाकिस्तान, और वो जो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो इस तरह मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हम अगर देखे जाए ना तो हमारे पास कनेक्शंस की वजह बहुत ज़्यादा है। हम अगर ढूंढने निकलें तो हमारे पास जुड़ने के भी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, बिखरने की शायद कम है, लेकिन हम शायद उनके बारे में बात नहीं करते, और हम सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी या जो कहते हैं ना लातल्लुकी वाले जो मामलात हैं उनको ज़्यादा हम। बिल्कुल ठीक है, तो हमें थोड़ा सा और बताइएगा कि कनेक्ट जो पाकिस्तान आपका फोरम चल रहा है, इसमें आप किन किन लोगों को कनेक्ट करते हैं? अच्छा, हमारा जो कनेक्टेड पाकिस्तान का जिस वक्त हमने इसको स्टार्ट लिया था, तो हमने जिस वक्त 2015 में इसको शुरू किया, तो हमारा सबसे पहला जो हमारा विजन था इसके हवाले से, वो ये था कि हम जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे साल का, उसका 30% जो है वो टूवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट लगा देंगे। अब फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि किन किन सेक्टर्स में जो है वो ज़रूरत है कि वहाँ पे हम अपनी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च करें। तो हमने 10 E's आइडेंटिफाई किए, जिनको हम 10 E's कहते हैं, 10 सेगमेंट्स हैं बेसिकली। उसमें एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, जेंडर इक्वलिटी भी है, एरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स भी है, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान भी है, एंगेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीज़न भी है। अभी जैसे मैं शाह साहब को बता रहा था कि एंगेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीज़न की हमारे पास जैसे पुराने रिटायर हजरात हैं, उनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी का। ठीक है, अभी मैं एक रीसेंट एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे एक पुराने रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको हमने सिर्फ दिन के लिए 3 घंटे उनके मांगे, और 60 बच्चे उनके साथ कनेक्ट कर दिए 3 महीने के लिए। तो 60 बच्चे 3 महीने के अंदर इंग्लिश फर बोलना शुरू हो गए, तो उनको भी एक्टिविटी मिल गई, हमें भी एक्टिविटी मिल गई। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, जो हम सालाना लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान की यूथ के लिए कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हमेशा 5,000-10,000 बच्चा शरीक होता है। पूरे पाकिस्तान से जो IT के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, टॉप गुरुज़ हैं, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो शिरकत करते हैं, और बच्चों को ना सिर्फ वहाँ पे टॉक्स दी जाती हैं, बल्कि पैरेलल में उनको वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, वर्कशॉप्स भी दी जाती हैं, जिसके अंदर हम एक ट्रेनर को 50 बच्चों के साथ छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि आज आपने इसको सिखाना है कि आपने अपवर के ऊपर इतने डॉलर कैसे कमाए, आज आपने ये पूरी ट्रेनिंग दे के जानी है। तो हमारा बड़ा एक मिक्स किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें टॉक्स भी हो रही होती हैं, मोटिवेशनल सेशन भी हो रहे होते हैं, उसमें इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर भी बात हो रही होती है, उसमें कल्चर वैल्यूज के ऊपर भी बात हो रही होती है, प्लस उसमें हम ये भी बता रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि अगर आप ये बार बार प्रचार करते रहें कि जी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने कैसे अवेल करना है। ग्रेट। अच्छा सलाम, जब हम आपके साथ सेशन प्लान कर रहे थे, तो फॉलोअर्स की तरफ से कुछ हमें क्वेश्चन रिसीव हुए थे। एक क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा कि हमारे बिहाफ पे अरसलान साहब से ये ज़रूर पूछें कि देखें, स्कूल में हमें ये बताया जाता है कि पढ़ना कैसे है, हमें ये बताया जाता है नौकरी कैसे करनी है, हमें ये नहीं सिखाया जाता किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में कि पैसे किस तरह से कमाने हैं। तो अरसलान साहब से हमारे बिहाफ पे मुझे बड़े फ्रीलांसर्स से वो मिलते हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स वर्कशॉप कराते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि हम पैसे कैसे कमाना स्टार्ट करें, या किस से हम जाएँ और ये सीखें कि हाउ टू अर्न मनी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जब बात कर लें, तो मैं तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तालीम, बल्कि हम तो हमेशा सुनते हैं कि तालीम मोमिन की, इल्म जो है मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, कहीं से भी मिले उसको हासिल कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिखाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, वो उस लेवल की नहीं है जिसकी मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आपने पैसे कमाना कैसे शुरू करना है। देखें, इसमें अब अगर आप
इंटरनेशनली कोई भी ब्लॉग्स फॉलो करते हैं या अगर आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो उसमें उन्होंने टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स बताए हुए होते हैं कि किन टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स के ऊपर जो है आप अगर अभी से काम करना शुरू कर दोगे, उनको सीखना शुरू कर दोगे तो आप मार्केट ओरिएंटेड बंदे बन जाओगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हर बंदे को ये सिखाया जाता है कि नौकर बनना है, नौकरी करनी है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये बड़ा एक फैंसी वर्ड है, लेकिन जो भी एंटरप्रेन्योर है ना उसको भी एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द एक्सपर्टीज जो आप अपनी फील्ड के अंदर ले रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं और अगर आप 100% डेडिकेटेडली नौकरी में भी काम कर रहे हैं ना तब भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप अब जैसे आजकल ट्रेंड चल गया ना कि हर बंदा फ्रीलांसर बन सकता है या हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर बंदा फौजी नहीं बन सकता, हर बंदा आर्मी में नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपका माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप सबसे पहले ना एक अलग ही तरफ से एक चीज़ होती है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको पहले से पता चल जाता है कि मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। हमारे पाकिस्तान में दो हैं जिनके साथ हम रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, कायदे आज़म इलाम इकबाल, शुरू में ही रियलाइज़ हो गया जी कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन का, आप अपने अंदर झांकना शुरू करें कि आपको क्या चीज़ जो है वो मुतमईन करती है। अब मेरे पास एक बच्चा था, वो सब कुछ कह रहा था लेकिन वो मुतमईन सिर्फ होता था जैसे वो कागज़ के ऊपर ना अपनी सोचें लिखना शुरू करता था। तो उसको हमने सिर्फ थोड़ी सी कंटेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, वो बच्चा उससे ना सिर्फ पैसे कमा रहा है बल्कि उससे उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसमें पैशन आइडेंटिफिकेशन होती है। पैशन आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि आप 3 महीने के लिए अपने आप को किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लें, चाहे वो फोटोग्राफी सीखने में है, चाहे वो म्यूज़िक सीखने में है, चाहे वो पेंटिंग में है। हमारे टाइम पे तो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की चीज़ें ही नहीं थी। मुझे अब तक ये लगता है कि शायद मुझे मौका मिलता तो मैं आज बहुत अच्छा मुसव्विर होता। हमें तो वो जैसे घोड़े की दोनों साइडों पे वो लगा देते हैं, सीधा सीधा देखना है, तो वो हम उसी तरह सीधा सीधा देखते आगे। तो पैशन आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कम से कम किसी भी चीज़ के लिए 3 महीने ज़रूर दें। अच्छा अरसलान, अभी आपकी कॉन्फ्रेंस जो है जो आपने प्लान भी की हुई है वो इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, हमारी अभी 7th कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि हम प्लान कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम लाहौर लेके आएँ, क्योंकि लाहौर जो है वो टेक हब है और हम चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस करा ली जिना कन्वेंशन सेंटर में, तो इस दफ़ा थोड़ा सा हम इसको पंजाब साइड पे लेके आए। हमारी कॉन्फ्रेंस है 23, 24, 25 सितंबर को, जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 30,000 के करीब लोग हमारे वहाँ पर आएँगे 3 दिन में, और 300 से ज़्यादा स्पीकर्स होंगे, उसमें 300 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं, उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं। उसके अलावा हमने इस दफ़ा स्पेसिफिक डिफरेंट लाउंज बनाए हैं जिसमें हमने एक ई कॉमर्स लाउंज बनाया ताकि जो ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं ई बे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, एटसी के ऊपर या लोकल ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं वो उस लॉन्च का हिस्सा बने। उसके अलावा हमने एक फ्रीलांसर्स एक्सेलेरेटर बूट कैंप बनाया है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो 3 साल के बाद हमारे जो अभी करंट फ्रीलांसर्स हैं अगर ये बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं आएंगे और अगर अपने आप को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में इंडल्ज नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद हमारे जो ये करंट फ्रीलांसर्स हैं ये 60 से 70% डेड हो जाएंगे। तो बेसिकली इस लॉन्च को डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि जो हमारे करंट फ्रीलांसर्स हैं वो वहाँ पर आएँ और वहाँ पर ये सीखें कि 5 लाख के अंदर कौन से बिजनेसेस हैं जो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, 10 लाख के अंदर कौन से बिजनेसेस हैं जो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, एजेंसी कैसे बना सकता हूँ, ऑनलाइन स्टोर की तरफ कैसे जा सकता हूँ, ऑनलाइन बिजनेसेस या फिज़िकल बिजनेसेस कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि पुराने ज़माने में हम ये सुनते थे कि अक्सर हम ये कहते थे कि जी हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है लेकिन पैसे नहीं हैं। तो जो हमारे करंट फ्रीलांसर्स हैं उनके पास ये इशू नहीं है, उनके पास पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको सिर्फ चैनलाइज करना है ताकि वो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी कर सकें और उसी के ज़रिए फिर आगे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एक हमारा फ्रीलांसर्स लाउंज है, उसके अलावा हमने एक क्रिकेट नाइट रखी है। हम हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, हम चाहते हैं कि जी जो हमारे टेक्सटाइल्स हैं उनकी टीम्स बने और हम नाइट को रात के टाइम पे हम क्रिकेट नाइट भी करवा रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक फैमिली फेस्ट है जिसके अंदर हम जो लाहौर की फैमिलीज़ हैं उनको इन्वाइट करना चाहते हैं कि वो वहाँ पर आए, म्यूज़िक इन्जॉय करें, कॉन्सर्ट नहीं है, म्यूज़िक इन्जॉय करें, फूड इन्जॉय करें, लाहौर का जो सबसे बेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो फूड है, वो वहाँ पे इन्जॉय करें। इस किस्म की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में प्लान किया है। तो 23, 24, 25 सितंबर को ये UET लाहौर में इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं हम लोग। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। मैं भी बल्कि शाह साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और मैं उनसे यही कह रहा था कि माशाल्लाह जिस तरह से
जामे और वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से माशाल्लाह वो लोगों को कनेक्ट, मैं एक्चुअल तो ये कहूँगा हम कनेक्टेड पाकिस्तान है, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह वो कनेक्ट कर रहे हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए और बाकी तमाम चीज़ों के ज़रिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी जो असल है ना, वो हमारी असल ये नहीं है कि हमने पैसा बनाना है, हमारी असल वही है जो ये कासिम अली शाह साहब और कासिम अली शाह की फाउंडेशन हमें सिखा रही है कि हमने एक मुआशरे में मुफीद और कारामद बंदा कैसे बनना है। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन। जज़ाकअल्लाह फॉर द फीडबैक, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थे सैयद अरसलान अली शाह, जो कि कनेक्टेड पाकिस्तान के फाउंडर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि वो नफ़रतें फैलाते हैं, लेकिन ये आज ये हमारे साथ शख्सियत थी जो कि दिल से दिल मिलाते हैं प्रोफेशनली। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ज़िंदगी में सदा मुस्कराते रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल पिलाते रहो। दुआ में याद रखिएगा, अनकरीब एक नए शो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।